हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मूविंग कॉइल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी जो स्केल होती है, स्केल ये आपकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और जो इसकी स्केल होती है, इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इसकी स्केल यूनिफॉर्म होगी या लीनियर होगी, और इसकी स्केल जो है कि नॉन यूनिफॉर्म होगी या नॉन लीनियर होगी, या इसी को आप कहते हैं, इसकी जो स्केल है वो कैसी है, क्रैम्प टाइप है। इसमें जो आपका मूविंग पार्ट होता है, ठीक है, मूविंग पार्ट आपका क्वाइल होती है, और इसमें आपका मूविंग पार्ट आपका आयरन पीस होती है, ठीक है। इसमें आपका मूविंग पार्ट आयरन पीस होता है, ठीक है। इसमें अगर फिक्स पार्ट की बात करें, तो जो आपका फिक्स पार्ट होता है, ये आपका परमानेंट परमानेंट मैग्नेट होता है, और इसमें आपका फिक्स पार्ट होगा वो आपका क्वायल होगा, क्वायल या आपका वाइंडिंग। इसकी अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी, तो इसकी एक्यूरेसी आपकी हाई होती है, और इसकी अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, तो इसकी एक्यूरेसी आपकी लो है, लो होती है एज कंपेयर टू मूविंग कॉयल टाइप के इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी सिंपल होती है। और इसमें अगर हम इरर की बात करें, तो इसमें जो इरर है वो लेस होती है, और अगर हम इसमें इरर की बात करें तो मोर इरर होती है। जैसे कि आपका इसमें हिस्टीरिसिस इरर, ईडी करंट इरर, और मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इरर, तमाम तरीके की इरर इसमें आती हैं, और इसमें बहुत ही कम इरर आती है, ठीक है। अगर हम जो है कि कास्ट की बात करें, तो कास्ट, इसकी जो कास्ट है ये हाई होती है, इसकी कास्ट हाई होगी, और इसकी जो कास्ट है ये आपकी क्या होगी, इसकी कास्ट लो होती है, ठीक है। इसकी कास्ट लो होगी, इसकी कास्ट हाई होगी, ठीक है। और इसमें अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें, तो जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग एक तो आपका इसमें कंट्रोलिंग आपकी स्प्रिंग कंट्रोल होगा, और अगर इसमें हम कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो आपका स्प्रिंग कंट्रोल होगा जो रिपल्सन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिलेगा, और ग्रेविटी कंट्रोल जो आपको एट्रैक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी, तो इसमें आपकी क्या होगी, इरर जो है कि कम होगी। जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसका जो टार्क वेट रेशियो है, तो इसमें अगर हम एक पॉइंट और देखते हैं, तो टार्क वेट रेशियो ये आपका हाई होगा, और इसका टार्क वेट रेशियो आपका क्या होगा, लो होगा। इट मीन्स इसकी जो सेंसिटिविटी है इस इंस्ट्रूमेंट के, मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो आपकी हाई होगी, ओके। इसकी जो सेंसिटिविटी ये आपकी हाई होगी, और इसकी सेंसिटिविटी ये आपकी लो होगी, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे डिफरेंस हैं जो आपको मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट से और मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट से एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ओके।